तो आपका कोई बिजनेस है या आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या आप किसी कंपनी की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या आप कुछ भी बेचते हैं अपनी लाइफ पे, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है। कस्टमर बिल्कुल भी आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, आपका काम चल ही नहीं रहा है। तो ये वीडियो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी और गारंटीड आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो 100% आपकी सेल होना शुरू हो जाएगी और आपके कस्टमर की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिए और एंड तक देखिए। आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट है बेस्ट, लेकिन तब भी कस्टमर आपकी तरफ नहीं आता। इस चीज़ को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मान लेते हैं कि एक मार्केट है, उस मार्केट में चार पांच फास्ट फूड्स की दुकान है, यानी कि चौमन, मोमोज, स्प्रिंग रोल, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। और आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि समझो उन छह दुकानों में से एक दो दुकानें अच्छी खासी चलती हैं, बाकी सारी की सारी दुकानें खाली रहती हैं। मतलब कोई कस्टमर ज़्यादा नहीं जाता वहाँ पे, एक दो नया कस्टमर आ गया तो अलग बात है। और कई दफ़ा हर जगह हर इंडस्ट्री में ऐसा होता भी है। आपने देखा होगा कि छह दुकान में से बगल वाली दुकान जो है धड़ाधड़ चल रही है होती है, पर लेकिन आपकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं होता। क्वालिटी भी वैसी है या शायद आपका जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ टेस्ट उससे भी बेस्ट है, पर आपके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? इन सारी बातों का एक ही रीज़न है कि वो आपको नहीं जानता। आपका कस्टमर इसलिए दूसरे दुकान पर जाता है क्योंकि वो आपको नहीं जानता। ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमेशा जान पहचान में ही काम करते हैं या जान पहचान में सामान खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दुकान पर कभी नहीं गया था और मेरा फ्रेंड मुझे लेकर वहाँ चला गया। उसने कहा चलो कुछ खाओ कर आते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। उन छह दुकानों में से वो मुझे दो जो चल रही थी उनमें से एक में ले गया। तो मैं वहाँ नहीं गया था तो मैं वहाँ अननोन था, मैं डिसीजन नहीं लूँगा, मैं उसी की बात मानूंगा वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। उसने मुझे वहाँ स्प्रिंग रोल खिलाए, हमने कोल्ड ड्रिंक पी, मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका टेस्ट। हम वापस आ गए, फिर कुछ तभी क्या हुआ समझो, मैं अकेला जा रहा था उस रोड से, तो मैंने कहा चलो मोमोज मोमोज खा लेते हैं। मैं दोबारा चला गया। फिर अगले दिन मेरा दोस्त या कोई और मुझे बोलता है कि चलो कुछ खा कर आते हैं, तो मैं कहूँगा चलो वो बंदा सही देता है। तो समझो मैं तकरीबन 10 लोगों को वहाँ ले गया 6 महीने के अंदर। तो उन 10 लोगों को भी नहीं पता तो वो आगे जानने वालों को भी रिकमेंड करेंगे। आजकल लोग नए लोगों को ट्राई नहीं देना चाहते, और ज़रूरी नहीं कि वो दुकानें जो तो चल रही थी 6 में से बेस्ट होंगी। इस सर्कल को तोड़ने के लिए आपने डिस्काउंट ऑफर देना है। इससे कस्टमर थोड़ी अटेंशन पाएगा आपकी, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं पाएगा बल्कि हल्की सी पाएगा, शायद 1,000 में से एक दो आ जाए कि हाँ भाई क्या हो डिस्काउंट ऑफर है। अभी इसको साइड में रखो, बताता हूँ कि इसका क्या करना है। दूसरा, आप इसमें नीच ढूंढिए, यानी कि अगर आपके एरिया में 6 दुकानें थी उसमें से हमारी दुकान नहीं चल रही तो हमने एक नीच बना ली, समझो वो दुकानें 10 की 10 चीज़ें बेच रही हैं। मैंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ मोमोज पकड़ लिए, इसमें वेराइटीज देना शुरू कर दी, जैसा कि तंदूरी मोमोज, आचारी मोमोज, मैंने मुख्तलिफ मोमोज की वेराइटी दे दी। तो काफ़ी लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये दूसरी टिप। अब इसे भी साइड में रखिए। अब आपके पास हो गए दो तरीके के कस्टमर्स, एक डिस्काउंट वाला और एक नीच वाला। अभी हमें और नए कस्टमर नहीं चाहिए, अब हमें इनके थ्रू कस्टमर्स चाहिए। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए मैंने एक मोबाइल खरीदा और वो खराब हो गया और मुझे पता नहीं कि रिपेयरिंग कहाँ से करवानी है, मैं तो कैसे किसी पर चला गया, उन्होंने मोबाइल ठीक करके दे दिया। फिर समझो मेरे फ्रेंड का मोबाइल ख़राब हो गया है, उसने कहा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, कहाँ
कहाँ से बनवाऊँ, तो मैं चाहे जानता हूँ या ना जानता हूँ उस बंदे को मैं कहूँगा वो बंदा ठीक है, उससे रिपेयरिंग करवा लो। तो वो लड़का रास्ते की 15 दुकानें छोड़कर 3 किलोमीटर दूर जहाँ पर मैं भेजूँगा वहाँ पर चला जाएगा। तो ये होती है पावर रिकमेंडेशन की, तो इस पावर को कम मत समझना, ये पावर आपके बिजनेस को ग्रो करवाती है। कस्टमर न्यू दुकान पे जाने से डरता है, रिस्क होता है कोई मुझे लूट ना ले। मान लीजिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ और हमने सोचा कि हम वहाँ क्रिकेट खेलेंगे जहाँ हम जा रहे हैं, तो मैंने रेंडम दुकान से बैट और बॉल ले ली और वहाँ बैट टूट गई, तो अब मेरा दिल टूट गया, तो अब मैं उस दुकान पर फिर कभी नहीं जाऊँगा। तो इसलिए अगर आपको प्रोडक्ट पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो आप उसी वक्त उसे चेंज कर दें। अपने कस्टमर से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएं, उनसे अच्छे से बात करें कि उन्हें ये लगे कि वो अपनी दुकान पर आए हैं। अब आपको दूसरी टिप देता हूँ, जो कस्टमर आपकी डिस्काउंट ऑफर और वैरायटी को देख कर आए आप उनसे रिव्यू लिखवा लीजिए और आपकी टेबल जहाँ पर लोग खाना खाने आएंगे वहाँ लगवा दीजिए। इससे आपके कस्टमर आप पर ट्रस्ट और भी कस्टमर्स का बढ़ेगा कि आप इस दुकान का टेस्ट सही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।